नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए मंगल देव की जो गोचरी स्थिति है कैसी रहेगी। मंगल महाराज उच्च के हो रहे हैं। मंगल मंगल जो है धरती पुत्र हैं और मंगल साहस शौर्य के प्रतीक है। तो मंगल महाराज का उच्च होना आपके जीवन में कितना देगा परिणाम। मंगल आपकी कुंडली में है क्या? तो मंगल आपके कुंडली में विद्या बुद्धि के स्वामी हैं, मंगल आपके प्रेम के स्वामी हैं, मंगल आपके कर्मा के स्वामी हैं और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, केंद्र का स्वामी केंद्र में जा रहा है। इसलिए यह गोचरी स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर है। गोचर मतलब एक अवसर। तो कैसा रहेगा मंगल का प्रभाव, चर्चा आरंभ करें। उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। मंगल, जब भी त्रिकोण और केंद्र का संबंध हो तो पाराशर जी महाराज कहते हैं कि यह एक राजयोग है। क्या है? राजयोग है। तो कैसे राजयोग फलित होगा? दशमस्त दशम का स्वामी अपने से दशम जाके उच्चता को प्राप्त कर रहा है। कर्म का स्वामी अपने से कर्म भाव में जाके उच्चता प्राप्त कर रहा है। मतलब जो क्षेत्र आप चुन रहे हो ना, जो क्षेत्र आप चाहते हो ना, वही चीज़ आपको मिल जाए। मतलब आप साइड में बैटिंग करना चाहते हो, बॉलर आप साइड में ही बॉलिंग करना शुरू करे, या आप शॉर्ट पिच मारना जानते हो, बालक शॉर्ट पिच फेंकना शुरू करे, तो आप छक्का मार दोगे, फिर रोक नहीं पाओगे। तो उसी तरह यहाँ पे मंगल महाराज को मकर राशि में उच्चता प्राप्त हो रही है। कैसे? कर्म के द्वारा, काम के द्वारा, बैठे बैठा है नहीं। नए सुप्त सिंहस प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करेगा। पॉइंट क्या आ रहा है? कर्म पथ के द्वारा। कैसे कर्म पथ के द्वारा जाएंगे? तो मंगलदेव तीन नक्षत्रों में चलेंगे। पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, फिर श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा अधिकार प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति, ये धन का नक्षत्र है क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। तो पहले स्टार्टिंग में धनात्मक रूप से आपको लाभ कराएंगे। क्या करेंगे? व्यापार से लाभ। कर्म ऐसा करोगे भाई, कर्म ही ऐसा करोगे जिससे आपको लाभ हो, काम ही ऐसा करोगे जिससे लाभ हो। उसके बाद ये जाएंगे श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र क्या है? आपके अपना नक्षत्र है। तो यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में जाने से लाभ देंगे, मान सम्मान रहेगा, प्रेम रहेगा। क्या रहेगा? प्रेम रहेगा। उसके बाद मंगलदेव धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा धन का नक्षत्र है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण है, तो धन मिलेगा। और क्या मिलेगा? क्योंकि प्रेम का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है, प्रेम का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है, इसलिए लव मैरिज का योग बनेगा। यही थंबनेल लगा दें क्या? मैंने सोचा नहीं थंबनेल लगाने का। थंबनेल की माया अच्छी है। आज मैं देख रहा था एक अच्छे ज्योतिषी हैं, उन्होंने तीन राशियों के लिए लिखा है कि गिरेगा धन का पहाड़, धन का पहाड़, मजा आ जाता है। तो यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब विद्या बुद्धि। अगर आप छात्र जीवन में हैं तो आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं, सफलता प्राप्त करने के योग आपके कुंडली में बनेंगे। या 5 मार्च से योग बन रहा है, तो 5 मार्च से मंगल महाराज, 5 फरवरी से, सॉरी मार्च नहीं, 5 फरवरी से तो मंगल उच्च के हो रहे हैं। अब यहाँ तीन चरणों में फल देंगे। तो पहले चरण में आपका जो वृश्चिक का प्रभाव लेके चलेंगे तो प्रेम की प्राप्ति, प्रेम में अधिकार के साथ बढ़ेंगे। दूसरा, घर वालों को मना ले जाएंगे, घर वालों को मना ले जाएंगे। और तीसरे में अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो बोलेंगे ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं आपको निमंत्रण भेजूंगा। क्योंकि मंगल, देखो मंगल अगर बलशाली है ना तो आदमी बगावत कर देता है, सीधे से नहीं मानोगे ना। बोलते हैं ना सीधे उंगली घी नहीं निकलेगा, डब्बे गर्म कर देंगे, डब्बा गर्म कर देते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हर तरह से मंगल महाराज लाभ दे रहे हैं, तो डब्बा मत गर्म करिएगा। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना, बड़ों के आशीर्वाद के बिना एक अच्छे दाम्पत्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मंगल की गोचरी स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देगी। क्या करेगी? श्रेष्ठ लाभ। मंगल की देखिए चतुर्दृष्टि अपने ही राशि पे होगी, बढ़िया रहेगी। कर्म भाव पे चतुर्दृष्टि, कर्म में प्रवीणता, कर्म में लाभ। सप्तम दृष्टि लगन पे होगी, बेहतर रहेंगे, बेहतर लाभ देंगे। बाद में निष्क होंगे, स्टार्टिंग में निष्क नहीं होंगे, दृष्टि निष्क। और अष्टम दृष्टि धन भाव पे हो, धन की प्राप्ति करा रहे हैं। तो यह गोचरी स्थिति है जिसका बेहतर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। खासकर प्रेम के मामले में उच्चता प्राप्त हो रही है, धन के मामले में उच्चता प्राप्त हो रही है, कर्म के मामले में उच्चता प्राप्त हो रही है। तो लाभ उठाइए ना, डरिए नहीं। कुछ लोग डरा देंगे, मंगल
फरवरी में 4 दिन पहले और 4 दिन बाद बहुत करेगा परेशान, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा करेगा, राधे राधे होगा। कभी भी आप देखिए कि किन भावों का प्रभाव लेके ग्रह चल रहा है, उस भावों के अधीन, उस भावों के अनुसार स्वभाव मिलता है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे।